तो दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली के लिए फुल डिटेल में सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आए हैं। सिलेबस आप लोगों के लिए जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो सिलेबस बात करेंगे, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, तीनों ही यहाँ पर जो हम लोग सिलेबस को डिटेल में देखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों में दोस्तों, इन तीनों शिक्षकों के लिए एक कॉमन आप लोग का जो है एग्जाम होगा, जो कि भाषा से पूछा जाएगा। इसमें आप लोग को जो है 30% अंक लाना जरूरी रहेगा, ठीक है, सभी के लिए, सभी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, तीनों के लिए यह एग्जाम ली जाएगी भाषा से, ठीक है। जहाँ पर कुल मिलाकर 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंकों की होगी। भाग 1 और भाग 2 दो भागों में आप लोग का जो यहाँ पर देखिए बांटा गया है इसको। भाग 1 में 25 प्रश्न रहेगा और 25 अंक का, यानी 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन, ठीक है। वो भी उसी भाग 2 में 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का आप लोग का जो है रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें आप लोग का जो है किस आधार पर देखिए सवाल रहेगा। देखिए यह पत्र जो है दो भागों में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए जो है कॉमन होगा, ठीक है, इंग्लिश सभी के लिए कॉमन होंगे। और भाग 2 जो होगा दोस्तों, इसमें देखिए हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा को देखिए आप लोग को जो है चुनाव करनी है, ठीक है। और इस पत्र का जो है अर्हता दोनों भाग को मिलाकर कम से कम देखिए 30% अनिवार्य है लाना, ठीक है। पास करने के लिए कम से कम आपको जो है 30% अंक लाना आप लोग के लिए जो है अनिवार्य रहेगा इसमें जो है। लेकिन इसमें जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखिए नहीं होगी, तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मतलब 100 में 100 आप लोग जो है टिक लगा सकते हैं इसमें। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोग का जो है नहीं रहेगा इसमें। देखिए मात्र आप लोग को जो है 100 क्वेश्चन में जो है 30 क्वेश्चन आप लोग को जो है देखिए इसमें सही करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्राइमरी टीचर, ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों अध्यापक के लिए वर्ग 1 से 5 के लिए आप लोग का जो है सिलेबस हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। इसमें देखिए सामान्य अध्ययन रहेगा दोस्तों, देखिए ये आप लोग का जो है मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग का जो है कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का आप लोग का जो है पूछा जाएगा। समय 2 घंटा का आप लोग का यहाँ पर जो है मिलने वाला है। इसमें देखिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, या मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग टाइप का दोस्तों, ठीक है। सामान्य जागरूकता यानी तो करंट अफेयर्स वगैरह, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण देखिए शामिल है इसमें, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दूसरा दोस्तों, में बताया गया कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम जो कि SCERT से संबंधित होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न जो रहेगा प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होगा। लेकिन इसका स्तर देखिए उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो दोस्तों आप लोग जो है इसका ध्यान रखिएगा, इसमें जो आप लोग का जो लेवल, किस लेवल पर आप लोग का जो सवाल रहेगा, तो देखिए इसका स्तर जो है उम्मीदवार है तो न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में आप लोग का जो है लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें उस तरह का आप लोग का जो है सवाल रहेगा। देखिए विषय विज्ञान, इसमें आप लोग का जो है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो कि कक्षा 9 से 10 के लिए है, ठीक है। ये इसमें आप लोग का जो है विषय एवं सामान्य अध्ययन से रहेगा। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का 2 घंटा का समय आप लोग का यहाँ पर देखिए रहेगा। यह पत्र जो है 2 भाग होंगे जो कि भाग 1 और देखिए भाग 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें देखिए आप लोग का जो है भाग 1 और भाग 2 होगा, ठीक है। भाग 1 में आप लोगों को देखिए इसमें 80 प्रश्न रहेगा भाग 1 में, और भाग 2 में जो है 40 प्रश्न, 80 प्रश्न के लिए 80 अंक और 40 प्रश्न के लिए 40 अंक आप लोग का जो है दिया जाएगा। यह देखिए आप लोग का जो है मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा भाग 1 एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का जो है चुनाव किया जाना है, जो कि हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, कोई एक भाषा आप लोगों को देखिए चुनाव करना है इसमें, ठीक है। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय में से देखिए माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कि NCERT से संबंधित होगी। देखिए आप लोग का जो सवाल रहेगा सो NCERT से ही आप लोग का जो है सवाल रहेगा, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में जो है होगा, यानी आप लोग का जो क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन के आधार पर ही आप लोग को यहाँ पर जो है पूछा जाएगा, ठीक है। भाग 2 में दोस्तों यह सामान्य अध्ययन पत्र है, ठीक है, यह जो है सामान्य अध्ययन पत्र रहेगा जिसके प्रश्न जो है माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा। ध्यान रखिएगा जो प्रश्न आप लोग का रहेगा माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। जो मतलब न्यूनतम अर्हता मतलब दोस्तों की ध्यान रखिएगा, जो आप लोग जो यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन डिमांड है दोस्तों माध्यमिक विद्यालय के लिए, उस आधार पर आप लोग का जो है देखिए यहाँ पर जो है सवाल पूछा जाएगा। इसमें देखिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से देखिए आप लोग का जो है सवाल रहने वाला है, ठीक।
तो दोस्तों अगर जब आप लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली यानी प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बुक लेकर के आए हैं जो कि चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है जो बिल्कुल स्टडी गाइड है क्या पढ़नी है पूरा इस बुक में दोस्तों गाइड किया गया है। ठीक है 100% एक्यूरेट सिलेबस के आधार पर इस बुक को बनाया गया है और साथ ही दोस्तों इस बुक में आपको जो है 2500+ बहुवैकल्पीय प्रश्न भी आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है और इस बुक में दोस्तों यहाँ पर देखिए खासियत ये कि सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दिया गया पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज क्या क्या किया गया है। तो देखिए पेपर वन जो कि आप लोगों का सिलेबस है भाषा आहारता 100 प्रश्न आप लोगों का पूछा जाएगा जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी से आप लोगों का जो है प्रश्न रहेगी। पेपर टू में दोस्तों यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन से 120 प्रश्न रहेगा जहाँ पर प्राथमिक गणित मानसिक क्षमता परीक्षण सामान्य जागरूकता सामान्य विज्ञान सामाजिक विज्ञान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भूगोल पर्यावरण ये सब सभी आप लोग का जो है देखिए पूछा जा रहा है एग्जाम में जो कि पूरा दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप लोग का जो है कवर किया गया है विषय सूची में आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट वाइज देखिए आप लोग का जो है कवर कर दिया गया है यहाँ पर पूरा डिटेल में देख सकते हैं और साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक सैंपल भी देख सकते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा डिटेल में आप जो है सैंपल को भी देख पाएंगे। और दोस्तों जैसे ही आप लोग का चैप्टर खत्म होती है तो देखिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का जो है दिया हुआ रहता है जो आप लोगों के लिए MCQ के लिए मतलब बहुवैकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप लोगों के लिए बहुत ही जो है हेल्प मतलब करेगा और साथ ही देखिए उत्तर माला भी आप लोगों को यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया और परचेस कर सकते हैं आप बुक को। ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए विषय एवं सामान्य अध्ययन जो कि 120 प्रश्न ये है देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए सिलेबस। ठीक है जहाँ पर भाग वन में 80 प्रश्न और भाग टू में 40 प्रश्न यानी दो भाग में आप लोग का जो है पूछा जाएगा। ठीक है जिसमें से भाग वन में मतलब 80 प्रश्न के 80 अंक और 40 प्रश्न के 40 अंक आप लोग का जो इसमें दिया जाएगा। ठीक है यह पत्र देखिए दो भाग में होंगे भाग वन एवं भाग टू। भाग वन एक विषय पत्र है। ठीक है जो उम्मीदवारों द्वारा जो है इन पत्रों में से किसी एक पत्र को देखिए आप लोग को जो है चुनाव करनी है जो कि आप लोग यहाँ पर देखिए लैंग्वेज दिया हुआ है किसी एक को आप लोग को देखिए चुनाव करनी जहाँ पर हिंदी है उर्दू अंग्रेजी संस्कृत बांग्ला मैथिली मगही अरबी फारसी भोजपुरी पाली प्राकृत गणित भौतिकी रसायन शास्त्र वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान इतिहास राजनीति विज्ञान भूगोल अर्थशास्त्र समाजशास्त्र मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र गृह विज्ञान कंप्यूटर साइंस वाणिज्य लेख संगीत उद्यमिता। देखिए किसी आप लोगों को जो है एक को आप लोगों को इसमें जो है चुनना है और उसी में आप लोगों को जो है देखिए सब मतलब आंसर देना है। ठीक है यहाँ पर 80 प्रश्न आप लोगों का इसमें देखिए रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों देखिए विषय पत्र यहाँ पर जो है बताया गया है कि विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय समिति परीक्षा। ठीक है परीक्षा समिति NCERT से संबंधित आप लोग का रहेगा यानी NCERT के माध्यम से ही सवाल आप लोग का जो है रहने वाला है और इसमें जो किस लेवल पर सवाल रहेगा तो दोस्तों देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए जो आप लोग का क्वालिफिकेशन रखा गया मिनिमम वो क्वालिफिकेशन के आधार पर ही आप लोग का जो है सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग टू में क्या प्रश्न रहेगा जहाँ पर कुल मिलाकर 40 प्रश्न रहने वाला है। देखिए एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक होगा और इसमें प्राथमिक गणित देखिए गणित सामान्य जागरूकता सामान्य विज्ञान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। तो दोस्तों ये आप लोग का देखिए सिलेबस जो कि पूरा डिटेल में हम आपको बता चुके हैं ये आप लोग का जो है पूछा जाएगा और सभी प्रश्न देखिए बहुवैकल्पिक यानी MCQ ऑब्जेक्टिव आधारित आप लोग का जो है रहेगा। ठीक है पर यहाँ पर देखिए बताया गया प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग अंक दे मतलब रहेगा। ठीक है आप लोग जो है गलत करेंगे तो आप लोग का जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा मेंस एग्जाम में। ठीक है देखिए आप लोग का जो है हम आपको बताएं कि दो भाग होगा भाग वन में आप लोग का भाषा से उसमें देखिए आप लोग का नेगेटिव मार्किंग नहीं था लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए इसमें आप लोग का जो है नेगेटिव मार्किंग है जो कि क्योंकि दोस्तों आप लोग इसमें यह जो है मेरिट के आधार मतलब मैं जैसे आप लोग एग्जाम दीजिएगा रिजल्ट आएगी तो मेरिट के आधार पर आप लोग का जो है सिलेक्शन होगी। ठीक है तो इस तरह का दोस्तों हम आपको बता चुके हैं अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।